10,000 के इनाम, क्या बाल विधायक आदित्य के होगा नाम। सरकार को दिया था सुझाव, चिकित्सा सुविधाओं को ऑनलाइन करे सरकार। माननीय सदस्य श्री आदित्य, हमारे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को हम दो भागों में देख सकते हैं। पहला भाग जिला स्तर पर, जहां हमें देखने को मिलता है कि लगभग सभी जिलों में हॉस्पिटल का विकास किया जा चुका है और जिला शिमला में प्रदेश के कुछ बहुत अच्छे चिकित्सा संस्थान मौजूद है। वहीं इसके उलट जब हम तहसील और ग्रामीण स्तर पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ज्यादातर क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था में कई खामियां हैं। कहीं PHC नहीं है, कहीं है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, किसी में डॉक्टर है तो उसमें 24 घंटे सुविधा नहीं है, 24 घंटे सुविधा है तो उसमें उपकरणों की खामी है। और ऐसी कई खामियां हैं महोदय, जिनको गिनते गिनते यह सत्र खत्म हो जाएगा, पर विकास सरकार द्वारा चलाया जा रहे हैं इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, परंतु जब हमारी सरकार प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंचा देती, तब तक चिकित्सा विभाग को अपनी सुविधाओं को ऑनलाइन करने का प्रयास करना चाहिए। जहां बेसिक मेडिकल कंसल्टेंसी ऑनलाइन तौर पर दिया जाए, जैसा कि निजी अस्पतालों में कोरोना के बाद हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से यह भी बता दूं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण की वर्ष 2020 से 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल इंटरनेट यूसेज में देश के ऊपरी पायदान पर आता है। ऐसे में इस व्यवस्था की सफल ना होना संभावना बहुत कम है। इसी के साथ हमारी सरकार को ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों तक तीव्र गति से दवाइयां पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस पर मेरा निवेदन है कि इस पर चिकित्सा मंत्री जरूर विचार करें, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ प्रदेश की नींव है। धन्यवाद।